महाराष्ट्र के किसानों ने फर्जी किसान योगेंद्र यादव को खदेड़ा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव। भीमराव अंबेडकर के पोते ने योगेंद्र यादव को सिखाया सबक। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। हर एक पार्टी और नेता अपना दमखल दिखाने में लगा हुआ है और ऐसे ही स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव भी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी राजनीति में एक अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खलल डाल दिया। दरअसल योगेंद्र यादव महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और तभी कुछ लोग वहां पहुंचकर उनकी सभा में हंगामा और धक्का मुक्की करने लगे। दरअसल ये लोग भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई में बनी पार्टी वीवीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने योगेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि योगेंद्र यादव अपने भारत जोड़ो अभियान के तहत जो है अकोला पहुंचे हुए थे। वो राहुल गांधी के साथ भी भारत जोड़ो अभियान में नजर आए हुए थे। आपको बता दें कि तभी ये घटना हुई जब वो अकोला पहुंचे थे। वीवीए कार्यकर्ता उनकी सभा में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के मंच पर चढ़ गए, तोड़फोड़ करने लगे, साथ ही कुर्सियां भी फेंकनी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं में बुरी तरह से अराजकता फैल गई और पूरा सभागार जवाब दो के नारों से गूंज उठा। जरा देखिए किस तरीके के हालात जो है महाराष्ट्र के अकोला में देखने के लिए मिले। तो जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर सुना और देखा कि किस तरीके से जवाब दो के नारे लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां तोड़ी फोड़ी जा रही है, योगेंद्र यादव के साथ भी धक्का मुक्की देखने के लिए मिल रही है। पुलिस और योगेंद्र यादव के समर्थक वीवीए कार्यकर्ताओं को मंच पर चढ़ने से भी रोकने लगे। बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया। चुनावी सभा में हुए इस बवाल की वजह से योगेंद्र यादव को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। इस दौरान हालत इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि योगेंद्र यादव को वीवीए कार्यकर्ताओं की भीड़ से बचकर बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया। पुलिसकर्मी और उनके समर्थकों ने जैसे तैसे घेरा बनाकर उन्हें बाहर निकाला। इस घटना को लेकर योगेंद्र यादव ने अपने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि आज अकोला में मुझ पर और भारत जोड़ो अभियान के साथियों पर जो हमला हुआ वो हर लोकतंत्र प्रेमी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत जोड़ो अभियान के विदर्भ दौरे के तहत हम संविधान की रक्षा हमारा वोट विषय पर सम्मेलन कर रहे थे तो मुझे बोलने से रोकने के लिए 40-50 लोगों की भीड़ मंच पर चढ़ गई और मेरी ओर बढ़ी। हम बैठे रहे और स्थानीय साथियों ने घेरा बनाकर हमारी रक्षा की। पुलिस के आने के बाद भी उड़दंगाइयों का आक्रमण और तोड़ फोड़ जारी रहा। सभा वही समाप्त हो गई। पिछले 25 वर्षों में महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर व्याख्या दी गई है लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि संविधान और लोकतंत्र विश्वास रखने वालों के लिए दुखद है। यह घटना हमारे लोकतंत्र की रक्षा के प्रति समर्पण को और भी मजबूत करती है। जो भी मेरे बोलने से डरा हुआ है वो सुन ले, मैं वापस अकोला आऊंगा। और इसके बाद उन्होंने बकायदा प्रेस में भी से लेकर बातचीत की, क्या कह रही है वो जरा सुनिए। हमारा संकल्प है, मीडिया में मैं सुन रहा हूँ कि वंचित अगाड़ी के कार्यकर्ता थे, ऐसा टीवी चैनल पे चल रहा है। हमारे स्थानीय साथियों ने कुछ शिनाख्त किया है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2-4 नाम लिए हैं, वो वंचित अगाड़ी के लोग हैं। और हमारे किसी साथी ने पूछा कि अरे भाई तुम लोगों ने क्यों करवाया, तो उनको एक आदमी ने कहा भाई क्या करें, साहब का आदेश था। मैं नहीं जानता कौन सा, मैं नहीं जानता कि व्यक्ति कौन कौन है, मैं नाम से नहीं पहचानता, लेकिन अगर वंचित अगाड़ी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो बहुत हैरान हूं। योगेंद्र यादव बहुत छोटा आदमी है, उस पे आपने हमला नहीं किया, आपने बाबा साहेब के संविधान पे हमला किया है। आपने जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दिन रात देते हैं उस पे हमला किया है। और आपके नेता प्रकाश अंबेडकर
को आपने शर्मिंदा किया है, क्योंकि इसके बाद आप प्रकाश अंबेडकर से पूछ लीजिएगा, पिछले 15 वर्ष से प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। मेरे लिए तो एक कल्पना से बाहर है कि मत भिन्नता होने की वजह से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकाश जी की जो लाइन है और हमारी जो सोच है वो अलग है, लेकिन मत भिन्नता के चलते ऐसा हमला करवाया जाएगा, मेरी तो कल्पना से बाहर है। मैं कम से कम प्रकाश अंबेडकर को ऐसा व्यक्ति नहीं समझता जो इस तरह की हरकत करवा सकता है। मैं तो यही कहूंगा, अगर वंचित बहुजन अगाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है, किसी भी समझ में किया है, किसी के भी बहकावे में किया है, तो उसने प्रकाश अंबेडकर को भी शर्मिंदा किया है। तो जैसा कि आपने योगेंद्र यादव को सुना, वो कह रही है कि मेरे ऊपर हमला, यानी लोकतंत्र के ऊपर हमला है, और इस तरीके से जो है बयान दे रही है कि पूरी तरीके से जो है अंबेडकर के ऊपर आरोप लगा रहे, प्रकाश अंबेडकर के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। उनके बयान में साफ तौर पर वो मेंशन कर रही है कि हमारे सोच में जो है मतभेद हो सकते हैं, भीमराव अंबेडकर के पोते जो है वो योगेंद्र यादव के ऊपर हमला किया, ये बात उनके द्वारा कहा जा रहा है। प्रकाश अंबेडकर का नाम वो लेते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि VBA के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ ऐसा, उन्होंने कहा कि साहब ने उन्हें कहा है ऐसा करने के लिए, मुझे नहीं पता कि साहब कौन है, लेकिन हम दोनों में सोच का मतभेद है, हम दोनों अलग तरीके से सोचते हैं, हम दोनों ही भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन हमारी सोच अलग अलग है, हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और इस वजह से वो ऐसा करवा सकते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के जो बयान दिए गए और चीजें जो है कही गई है, इसके बावजूद योगेंद्र यादव के लेकर लोग जो है बयान दे रही है, ये कह रही है कि योगेंद्र यादव के साथ जो हुआ कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेड भी था, और ये अपने आप को किसानों से भी जोड़ रहे थे, किसान नेता भी बनने का जो है काफी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन इनकी झूठ, इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। और अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी लोग निशाना साध रहे और कह रहे हैं, खुद को दलित प्रेमी बताने वाले राहुल गांधी आज चुप क्यों बैठे हैं। राहुल गांधी के साथ योगेंद्र यादव नजर आए थे उनके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और अब वो चुप क्यों है, इस मामले को लेकर कोई कोई बयान जो है देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो ऐसी पार्टियां हैं, और ऐसे अगर आप कहेंगे कि विचारधारा है, जिसका समर्थन न करते बन रहा है और ना इसके अगेंस्ट जाते बन रहा है। अब ऐसे में स्थिति ऐसी है कि इस पर लोग कमेंट कर रही हैं। अब इसे लेकर आपको बता दें कि तहसीन पूनावाला ने लिखा है कि महाराष्ट्र वो गए थे, और उसके बाद जो है महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट बनने का प्रयास कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जहां पर उनके साथ धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है। तमाम सोशल मीडिया पर इस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है, कोई कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है, तो कोई प्रकाश अंबेडकर से, तो कोई ये कह रहा है कि योगेंद्र यादव जो है ये डिजर्व करते थे, इस वजह से जो है इनके साथ इस तरीके के हालात देखने के लिए मिले हैं। तमाम तरीके के मत हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर इस वीडियो को साझा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव संविधान और लोकतंत्र पर खतरे को लेकर सम्मेलन आयोजित कर रहे थे, लेकिन खतरा तो उनके ऊपर ही आता हुआ नजर आ गया। यही नहीं, लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में योगेंद्र यादव ने इस मामले पर तो प्रतिक्रिया दे दी है, अब लोग इस मामले को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया की भी जो है इंतजार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इस पर और अपडेट है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।